भी ट्राई करा, मतलब जो इनके प्राइस थे सारी मार्केट में ट्राई करने के बाद फिर आया, फिर आए थे। मतलब आपको मतलब ये बहुत अच्छा लगा, मतलब रेट बिल्कुल रीजनेबल लगे बिल्कुल। तो मतलब आप किसी को रिकमेंड करना चाहोगे कि मतलब कोई भाई अपनी स्कॉर्पियो इस वीडियो के दौरान देख के आए तो भैया पे करवाए, पूरा इंटीरियर चेंज हुआ। हाँ जी हाँ जी, ये तो मैंने बिल्कुल एक प्रॉपर दिखा दिया। एक बार आप सीट कवर्स और देखिए, सीट कवर्स में इन्होंने कैसे विद वाइट पाइपिंग हुआ है। अच्छा, और एम्बिएंट लाइट भी हुआ है। तो ब्लैक एंड चॉकलेट कलर की फिनिशिंग के साथ में आपने काफी अच्छा ध्यान दिया, क्योंकि स्टेपिंग अप टू द कंपटीशन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। मैं नितिन चावड़ा, फिर आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल स्कॉर्पियो ए टू जेड, इसके अंदर पूरा टोटली काम हुआ और एमपी से स्पेशल गाड़ी आई है, और एमपी से सीधी अपनी गाड़ी आई है शाम ऑटो पर, जो कि अपना करोल बाग में अब्दुल अजीज रोड पर है। तो भैया हमारे ऑनर हैं, और भैया बताइए इसके अंदर आपने क्या क्या करा सबसे पहले? हमने गाड़ी में पूरा इंटीरियर चेंज किया है ब्लैक एंड टैन कलर में, और सीट कवर अपॉस्टी, रूफ अपॉस्टी, डैशबोर्ड, साइड पैनल्स, ये सब चीजें करी हैं। ये मतलब आपने इतने सारे इसमें एलईडीज लगाई हैं। अच्छा, अंदर एम्बिएंट लाइट है। दिखाना एक बार क्या क्या क्या, मतलब फ्रंट में देख लेते हैं, फ्रंट में भैया ने क्या क्या करा है। तो फ्रंट में ये भी आपने फोर लगाया। अच्छा, ये भी लगाया आपने, ये लाइन है, ये अभी रब हो जाएगी। अच्छा, रब होगी, मतलब अभी अच्छा रबिंग से अपनी पूरी सेव हो जाएगी। चलो, काफी स्कॉर्पियो की अपनी बैजिंग के साथ ये भी क्रोम आपने लगाई है। अच्छा, इसके साथ ही आता है, जैसे इसी के साथ ही आता है ये, मतलब एक बम्पर है अलग तरीके से। हाँ, अच्छा, तो मतलब इसमें कोई अपने कोई छेद होते हैं, फिर सीधे डबल टेप से लगता है, स्क्रू भी होता है और डबल टेप भी। अच्छा, मतलब दोनों चीजें लगती हैं। और इस तरफ भी देख लेते हैं अपने फॉग लैम्प में भी आपने क्रोम आपने ही इंस्टॉल करी है? अच्छा अच्छा, प्लॉम्स लगी है। तो एक बार इसकी फॉग लैम्प जला के दिखाइए कि फॉग लाइट का कैसा रेस्पॉन्स है। तो गाइस यहाँ पर अपना भाई ने देखो, एक बार बंद कर दो, एक बार बस। तो गाइस ये अपनी फॉग लैम्प का अपना अच्छा खासा रेस्पॉन्स है। तो चलिए इस बार इसकी हेडलाइट की तरफ भी नजर डाल लेते हैं, भैया ने इसकी हेडलाइट पर भी अच्छा काम करा है। तो भैया जलाइए, एक बार जलाइए हेडलाइट। अच्छा, ये लो बीम है अपनी, हाई बीम है? ये लो बीम है। एक सेकंड, एक बार लो बीम जलाइए इसकी, ये लो बीम कर दीजिए। तो गाइस आपको दिख रहा होगा लो बीम में भी काफी अच्छा है। एक बार दोबारा लो बीम, बस। तो गाइस आप देख रहे होगा कि आपको ऊपर तक कितना अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है गाड़ी की हाई लो बीम पर। हाई बीम करना, ये रही हाई बीम अपनी ऊपर जा रही है, बिल्कुल काफी अच्छा रेस्पॉन्स है फ्रंट की हेडलाइट। तो इसके अंदर आपने कौन सी कंपनी की डाली भाई? अच्छा, और नाइट आई हाई बीम। अच्छा, तो चलिए काफी अच्छा रेस्पॉन्स है। तो अगर इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात करो तो क्या कॉस्टिंग पड़ जाती है? अप्रोक्सीमेट सेट ऑफ थ्री सेट डाले हैं, दो सेट हेडलाइट में और एक सेट फॉग लैंप्स में। बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे होगा कि बिल्कुल अंधेरे में भी काफी अच्छा उजाला कर रखा है। तो फॉग लाइट आपने कौन सी कंपनी की इंस्टॉल करी भाई? नाइट आई। मतलब अच्छा, तो मतलब फुल वारंटी होती है। अच्छा, और मतलब अच्छा रेस्पॉन्स है इसका। चलो काफी अच्छी बात है। तो भैया ने अपना फ्रंट में ये इंस्टॉल कराया, तो एक बार ये वाली लाइट जला के दिखाइए जो आपने यहाँ पर एक लाइट लगाई है। ये अपनी पुलिस वाली लाइट लगवा रखी है भाई ने यहाँ पर, ये भैया ने इंस्टॉल करवा रखी है। ये रही जल गई जला। ये रिमोट से ऑपरेट होती है। बिल्कुल। ये काफी अच्छी लगी है। और अपना बंद कर दीजिए, अपना पुलिस वाले भी शौक वाली चीज है, जो भाई अपना बंदे शौक करते हैं वही लगवा सकते हैं भाई। इतना चला आने इस पर तो खैर भाई रिकमेंड नहीं करेंगे। फ्रंट में और इसके टायर पर देख लेते हैं, भाई ने अपने वॉशैन के 17 इंची इसके अंदर टायर लगवाए, मतलब अलॉय लगवाए, जो कि इसके इसी के कंपनी फिटेड टायर पर ही इसमें अलॉय भाई ने फिट करवाए। इस साइड भैया आपने और क्या करा इसके अंदर कुछ खास? डोर वाइजर इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, डोर वाइजर इंस्टॉल करे हैं, जो अपना दोपहर के टाइम और बारिश के टाइम पर काफी अच्छा काम करने वाले हैं। फोर स्कॉर्पियो की बैजिंग के साथ में इंस्टॉल करे हैं भैया ने। और ऐसा मतलब कुछ खास तो भैया ने यहाँ पर इंस्टॉल काफी कुछ करा नहीं है, बस ये सेम अलॉय है। और ये गार्निश वार्निश क्रोम भी आपने इंस्टॉल करी कंपनी से? ये अच्छा पहले से। अच्छा, ये वाला भी अपनी टेल लाइट पर भी पूरा फुल क्रोम वर्क है। अच्छा, मतलब जो भी इसका काम हुआ है वो मेन काम इंटीरियर में, और थोड़ा वो जो भी एक्सटीरियर में करा आपने। तो चलिए, और यहाँ पर ये अपने रिफ्लेक्टर लगे, तो ये रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स में लगे हैं? नॉर्मल ही है। हाँ। मैट्रिक्स में आता है ऑप्शन या नहीं आता? मैट्रिक्स में ऑप्शन आता है। हाँ। पहले भाई ने नहीं लगवाया। लगवा। चलो, और ये अपना रियर गार्ड भी आपने लगाया हुआ? नहीं, ये पहले का लगा। अच्छा, ये भी पहले का लगा हुआ है। और क्या करा आपने इसके अंदर? और ये बता रहे थे। अच्छा, ये भी इसके अंदर ये भी इसका पेंट हुआ है। अच्छा, तो ये अपना कौन से कलर का आता है? पूरा जैसे डबिंग पॉलिश ट्रैकिंग दोबारा से होनी है। पूरा फिनिश हो जाएगी। अच्छा, फिनिश हो जाएंगी। चलिए, तो गाइज अपना ये इसके अंदर फ्रंट में काम हुआ है एक्सटीरियर में, और अपना इंटीरियर में भी आपको दिखाता हूँ कि अब इन्होंने भैया ने क्या क्या काम करा। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर आपको अंदर दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है।
सो फाइनल गाइस गाड़ी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ। गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया ने क्या क्या करा। तो इसका आप सबसे पहले स्टीयरिंग रैप देख लोगे, ब्लैक एंड चॉकलेटी कलर का, भाई की स्पेशल डिमांड थी, उन्होंने पूरा पूरा ब्लैक एंड चॉकलेटी कलर के फिनिशिंग के साथ में इसका इंटीरियर चाहिए था। और बीच में यहाँ पर भी इन्होंने ये कोई कपड़ा नहीं लगाया भाई ने, सबसे पहले आपको बता दूँ। तो भाई हमारे पास दीपांशु जुड़ चुका, तो दीपांशु भाई मुझे ये बताओ कि इसके अंदर आपने कोई कपड़ा तो यूज नहीं करा है, इसके अंदर पेंट लगाया, पेंट लगाया आपने, स्पेशल आपने इसके अंदर पेंट लगाया, और यहाँ पर अपना वुडन की फिनिशिंग के साथ अपना क्या बोलते हैं भाई, वुडन रैप हुआ, मतलब पूरा पूरा वुडन लगा इसके, तो पूरा वुडन लगा है। तो सबसे पहले भाई आपने यहाँ से देख लिया होगा, ये इसके अंदर प्रॉपरली कर्मा है, और यहाँ पर अपने डोर्स में भी इन्होंने सेम यही करा है। और इधर आपने यहाँ पर देख रहा होगा ये चॉकलेटी कलर का इन्होंने कपड़ा लगाया इसके अंदर, और इधर इन्होंने अपनी एम्बियंस लाइट लगाई जो कि पूरी पूरी प्रॉपर। तो मुझे ये बताइए इसके अंदर जो आपने लाइट लगाई एम्बियंस, तो इसके अंदर कितनी तरह की लाइट होती है? चलो काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर भी अपना पूरा पूरा वुडन फिनिशिंग और का भी काम इसका चल रहा है। रात के समय अभी मैं इसका वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी भैया की शॉप पर अपना काम हो रहा है। तो भैया की शॉप का नाम आपको दिख रहा होगा श्याम ऑटो सेंटर, ये अपनी करोल बाग नई वाला अब्दुल अजीज रोड पर पड़ती है। और भाई अपना आपको यहीं मिलेगा दीपांशु, अगर आप स्कॉर्पियो कॉर्नर है तो आप यहाँ पर काम करवा सकते हैं। और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर दिख रहा होगा, ये भी पूरा डैशबोर्ड पे इन्होंने पेंट कराया। और पेंट की अगर क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो काफी प्रॉपर एक नंबर की फिनिशिंग आ रही है गाइज। और यहाँ पर अपना ये वाला भी हिस्सा पूरा पेंट हुआ, ये आता है अपना थोड़ा सा व्हाइट कलर के अंदर, और थोड़ा सा थोड़ा डार्क मैट में भी आता है, तो भाई ने थोड़ा शाइनिंग टाइप में इसके पेंट कर दिया। और यहाँ पर भी अपना वुडन फिनिशिंग के साथ में भैया ने प्रॉपर करा है। और यहाँ पर अपनी जो गियर होती है वो उसके अंदर अपना थोड़ा कपड़ा चल रहा है, जो कपड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर अपनी चॉकलेटी ये है, और नीचे से अपना ब्लैक और चॉकलेटी कलर की डबल टोन में वो फिनिशिंग के साथ अभी वो काम हो रहा है, तो इसलिए अभी अब मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और इस साइड भी अपना भैया ने सेम प्रॉपर वर्क यही करा है। और इधर आप छत पर अगर ध्यान दोगे तो छत पर इन्होंने पूरी पूरी ब्लैक कर दिया, और वो ब्लैक करी है अगर यहाँ पर आप देखोगे बॉक्स बॉक्स में, एंड बिल्कुल काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ में करी है। तो अगर यहाँ पर आप लाइट भी लगा सकते हो जो कि अपने रेंज जो उसमें रॉयल सोल्स में रहती है, जिसे आप नाम दे देते हो रेनबो लाइट या मतलब कुछ भी हो सकती है डिस्को लाइट, तो वो भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और भैया ने इसके अंदर एक अपना एलईडी बल्ब इंस्टॉल करा है जो कि अपने नॉर्मल हैलोजन आते हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सीट कवर दिख रहे होंगे, ये हमारे भैया श्याम ऑटो के अपने ऑनर है। तो भैया को सबसे पहले अपने यूट्यूब पर स्वागत करते हैं। तो भैया ये बताइए और आपने क्या क्या काम करा है इसके अंदर? इसमें ऐसे पूरी अपॉजिटी हुई है, सीट कवर, रूफ, डैशबोर्ड, पूरा इंटीरियर चेंज हुआ। हाँ जी हाँ जी, ये तो मैंने बिल्कुल एक प्रॉपर दिखा दिया। एक बार आप सीट कवर्स और दिखाई, सीट कवर्स में इन्होंने कैसे विद वाइट पाइपिंग हुआ है, अच्छा, और एम्बिएंट लाइट भी हुआ है। तो ब्लैक एंड चॉकलेटी कलर की फिनिशिंग के साथ में आपने काफी अच्छा ध्यान दिया, क्योंकि पूरा पूरा काम डुअल टोन में हुआ है इसके साथ में। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ करा है, और यहाँ पर अपनी कैप्टन सीट्स के साथ करा है, क्योंकि S11 में कैप्टन सीट आती है, तो कैप्टन सीट्स के साथ करी है भैया ने, काफी अच्छा। तो नीचे की तरफ अपना कोई अभी 70 मैट चलेंगे तो 70 मैट भैया के अभी बाहर शॉप के अंदर रखे हैं। और पीछे की तरफ, पीछे के अपनी सीटों की तरफ दिखा रहे हैं वाले भाई, पीछे की सीट अभी अलॉय व्हील रखे हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ चेन के व्हील कैप रखे हैं तो वो इसलिए नहीं हो रहे हैं। तो और गाइज अपना ये काम हो रखा है पूरा टोटली, ये इसके अंदर भैया ने काम करा है। तो एक बार ऑनर से मिलाता हूँ आपको बाहर से, कि भैया को कैसा काम लगा और भैया के साथ बिहेवियर उनका कैसा रहा, पूरा पूरा टोटल एक्सपीरियंस रहा, कितने दिन लगे और कैसा कैसा काम हुआ। तो चलिए एक बार चलते हैं भैया से बातें करते हैं। सो गाइज अपना गाड़ी के ऑनर हैं ये, और सबसे पहले भैया का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भैया कहाँ से आए हैं और क्या नाम है। तो भाई सबसे पहले आपका क्या नाम है? श्यामू भदौरिया। अच्छा, और भाई आपका? बत्तू सिंह। तो भाई कहाँ से आए हो आप? भिंड से आया हूँ, एमपी से। भिंड से, मतलब यहाँ से भाई अपना भिंड होगा 400-500 किलोमीटर तो होगा? 500 किलोमीटर है। तो भाई स्पेशल मतलब अपनी स्कॉर्पियो में काम करवाने आए आप यहाँ पर? हाँ। तो भाई एक बार ये बताइए कि श्याम ऑटो वालों भैया का अपना काम कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए जो कि बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, तो ये बताइए मार्केट में आपने कहीं और भी ट्राई करे? यही हमने पहले भी अपने शिफ्ट का यहीं पे काम कराया। अच्छा अच्छा, तो मतलब काम बिल्कुल आपको एकदम बढ़िया लगा। और आपने मतलब कहीं और भी ट्राई करा, मतलब जो इनके प्राइस थे? सारी मार्केट में ट्राई करने के बाद फिर आया, फिर आए थे। मतलब आपको मतलब ये बहुत अच्छा लगा, मतलब रेट बिल्कुल रीजनेबल लगे बिल्कुल। तो मतलब आप किसी को रिकमेंड करना चाहोगे कि मतलब कोई भाई अपनी स्कॉर्पियो इस वीडियो के दौरान देख के आए तो भैया पे करवाए, ला सकता है? चलिए, तो गाइस आपने एक ऑनर का फीडबैक सुना होगा कि भैया को काम कैसा लगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।